हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द फिल्मी शो। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही प्यारी हॉलीवुड रोमांटिक मूवी 51st Dates को। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है और अगर आप रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो आई एम श्योर आप इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद इस मूवी को ज़रूर देखोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ही वेस्ट करते हैं और मूवी की कहानी सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही एक आशिक मिजाज लड़का दिखाया गया है जिसका नाम हेनरी रॉथ है। हेनरी एक सी लाइफ पार्क में काम करता है और हेनरी का काम यहाँ पार्क में रह रहे सभी जीवों का ध्यान रखना है। हेनरी पार्क में आने वाली ज़्यादातर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। अब एक बार जब हेनरी की नाव डैमेज हो जाती है तो पास के ही एक कैफे में जाता है। यहाँ कैफे में हेनरी को एक लड़की अकेले बैठी हुई दिखाई देती है और इस लड़की का नाम लूसी है। हेनरी लूसी को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आदत से मजबूर हेनरी लूसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये एक लोकल लड़की है और हेनरी किसी भी तरह के कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए हेनरी वहाँ से उठता और चला जाता है। अब पूरे दिन भर हेनरी के दिमाग में लूसी का ही ख्याल रहता है और इसलिए वो अगले दिन उसी टाइम उसी कैफे में दोबारा जाता है। यहाँ कैफे में दोबारा लूसी हेनरी को मिलती है। यहाँ कैफे में लूसी हेनरी को दोबारा से उसी जगह बैठी हुई दिखाई देती है और अपने नाश्ते की प्लेट में रखे ब्रेड से कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है। हेनरी लूसी को देखता रहता है और अब हेनरी लूसी के पास जाता है और जो वो बनाने की कोशिश कर रही थी उसमें हेनरी लूसी की हेल्प कर देता है। अब लूसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और लूसी और हेनरी में बात होने लगती है। लूसी हेनरी से पूछती है, क्या तुम आर्किटेक्ट हो? हेनरी बोलता है, नहीं, मैं एक सी लाइफ पार्क में काम करता हूँ। लूसी कहती है, हाँ, तभी तुम्हारी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। हेनरी बोलता है, हाँ, पार्क में सुबह मैं एक फिश को खिला रहा था और इसी वजह से मेरी बॉडी में उसी फिश की स्मेल अभी तक है। लूसी कहती है, लेकिन मुझे ये स्मेल बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरे फादर भी एक फिशरमैन है और जब वो कई दिनों बाद समंदर से लौटते हैं तो मैं उनसे बहुत देर तक गले रखकर उनकी बॉडी की इस स्मेल को फील करती हूँ। उनकी बॉडी से भी सेम ऐसी ही स्मेल आती है। हेनरी कहता है, अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम जितनी देर चाहो मेरे हाथों को सूंघ सकती हो। और ये कहते हुए वो लूसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अब लूसी भी हेनरी के हाथों को सूंघने लगती है और बहुत खुश होती है। अब लूसी और हेनरी एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं और जब ये दोनों जा रहे होते हैं लूसी कहती है कि कल हम दोबारा यहीं मिलेंगे और नाश्ता भी साथ में करेंगे। ये बात सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अब उसी शाम हेनरी जब एक बार में बैठा होता है तो एक लड़की उससे मिलती है और ये लड़की हेनरी से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और हेनरी को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी के दिमाग में बस अब लूसी का ही ख्याल था, इसलिए हेनरी उस लड़की को मना करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हेनरी बारिश में भीगते हुए उसी कैफे में दोबारा पहुँचता है जहाँ ये पिछले दिन लूसी से मिला था। थोड़ी देर बाद लूसी भी वहाँ आ जाती है और अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। हेनरी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी वो लूसी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि आज पूरे दिन भर मैं मछलियों के साथ खेला हूँ और तुम जितनी देर चाहो मेरा हाथ सूंघ सकती हो। ये देखकर लूसी हैरान हो जाती है और लूसी हेनरी से कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। और इसके बाद वो कैफे के ऑनर को बुलाती है। कैफे की ऑनर वहाँ आती है और हेनरी को कैफे के बाहर ले जाती है। हेनरी बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की पागल है क्या? कैफे की ऑनर कहती है कि लूसी पागल नहीं है पर वो एक स्पेशल लड़की है। आज से एक साल पहले लूसी जब अपने पिता के साथ जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट से उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी और इसलिए उसे पिछले बीते हुए दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। हेनरी कहता है, मैं जानता हूँ ये सब झूठ है, तुम मुझसे उसका पीछा छुड़वाना चाहती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन वो कहती है, काश ये झूठ होता। हेनरी पूछता है, क्या उसे कुछ भी याद नहीं रहता? वो कहती है कि उस एक्सीडेंट से पहले की सारी घटना लूसी को याद रहती है, जैसे कि उसके पिता का बर्थडे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे तो ये भी याद नहीं है कि तुम कल उससे मिले भी थे। जब भी वो रोज सुबह उठती है उसे लगता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है, जबकि इस बात को लगभग एक साल बीत चुका है। हेनरी कहता है, ये तो रोज अखबार पढ़ती है। तो वो कहती है कि लूसी के पिता ने उस एक्सीडेंट के दिन वाले, यानी जो उस दिन संडे था, और उस दिन के अखबार के कई सारे प्रिंट बनवा रखे हैं और रोज सुबह वो लूसी के जागने से पहले लूसी के पास रख देते हैं। लूसी इस कैफे में इसलिए आती है क्योंकि वो हर संडे को यहाँ आया करती थी और उसे अभी भी लगता है कि आज का दिन संडे, इसका मतलब यह है कि लूसी एक ही दिन को बार बार जीती है। ये सुनकर हेनरी हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब लूसी भी अपने घर चले जाती है। लूसी जब अपने घर पहुंचती है तो लूसी के डैड और उसका भाई उसे यही जताते हैं कि आज संडे है और आज उसके डैड का बर्थडे है। लूसी के पिता उसे पाइनएप्पल दिखाते हैं तो लूसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये पाइनएप्पल लेने हम दोनों साथ जाने वाले थे। दरअसल जब लूसी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन लूसी और उसके डैड पाइनएप्पल लेने गए थे। अब लूसी के डैड लूसी को कहते हैं कि मेरे पास एक और आइडिया है, तुम चाहो तो वो कर सकती हो। फिर लूसी के पिता उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाते हैं और लूसी को वर्कशॉप में पेंट करने को कहते हैं। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जब तक मैं यहाँ पेंट करती हूँ आप लोग महज देख लो।
अब लूसी अपना काम खत्म करके अपने डैड और भाई के साथ बैठ जाती है और ये तीनों मिलकर मैच देखते हैं। दरअसल ये एक रिकॉर्डेड मैच है और लूसी के पिता और उसका भाई रोज इसी तरह से ये मैच बार बार देखते हैं। मैच के बाद ये तीनों केक काटते हैं और लूसी अपने डैड को एक कैसेट गिफ्ट करती है और कहती है, बर्तन धोने के बाद हम इस मूवी को साथ देखेंगे, कैसा रहेगा? लूसी के डैड और उसका भाई उदास होकर कहते हैं, बहुत मजा आएगा। दरअसल इन दोनों को रोज लूसी की वजह से बार बार एक ही मूवी को देखना पड़ता है। अब मूवी देखते समय लूसी के डैड सो रहे हो क्योंकि यही सेम मूवी वो पिछले एक साल से बार बार देख रहे हैं। अब मूवी खत्म होने के बाद लूसी सोने चले जाती है। अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि लूसी के पिता उस केक को बाहर फेंक देते हैं और लूसी ने जिस वर्कशॉप में पेंट किया था उसे वो दोबारा से व्हाइट पेंट कर देते हैं क्योंकि कल दोबारा से लूसी जब उठेगी उसे कुछ याद नहीं रहेगा और दोबारा से उसके पिता उसे पेंट करने को बोलेंगे। इसके बाद जो कैसेट लूसी ने अपने डैड को गिफ्ट की थी वो उसे दोबारा से गिफ्ट पैक कर देते हैं क्योंकि लूसी कल दोबारा से यही गिफ्ट अपने डैड को देगी। अब लूसी के पिता लूसी के कमरे में जाते हैं और फिर संडे वाला अखबार उसके तकिए के नीचे रख देते हैं और हर दिन लूसी के पिता इसलिए ऐसा करते हैं ताकि लूसी को पता ना चले कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और अगर लूसी को ये पता चला तो उसे मेंटली बहुत हर्ट होगा। इस वजह से लूसी के पिता और उसका भाई पिछले एक साल से सेम चीज़ बार बार कर रहे हैं। अब अगले दिन लूसी सेम उसी कैफे में दोबारा जाती है तो वहाँ हेनरी लूसी को दोबारा मिलता और लूसी से बात करने की कोशिश करता पर लूसी उससे बात नहीं करती। दरअसल हेनरी लूसी को मन ही मन अब चाहने लगा है। एक दिन ऐसे ही दोबारा हेनरी कैफे में जाता है और लूसी का अटेंशन पाने के लिए रोने का नाटक करता है। ये देखकर लूसी हेनरी के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? हेनरी कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूसी कहती है कि तुम मेरी टेबल पर आ जाओ, हम दोनों एक साथ नाश्ता भी कर लेंगे और मैं तुम्हें कुछ पढ़ना भी सिखा दूंगी। अब ये दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता भी करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अब जब लूसी अपने घर के लिए निकलती है तो वह हेनरी से कहती है, मैं जा रही हूँ। हेनरी भी हंसते हुए कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये सुनते ही लूसी हेनरी से गुस्सा होकर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नंबर मांगोगे लेकिन तुम एक नंबर के गधे निकले। ये कहकर लूसी वहाँ से निकल जाती है। अब हेनरी भी लूसी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी से निकलता है। ये सब देखकर कैफे की ओनर लूसी के पिता को फ़ोन करके बता देती है कि कोई लड़का लूसी का पीछा कर रहा है। अब हेनरी जब लूसी के घर पहुंचता है तो लूसी के पिता और उसका भाई हेनरी को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि लूसी ने पिछले एक साल में बहुत कुछ सहा है और अब हम ये नहीं चाहते कि लूसी को और दुख देखना पड़े, इसलिए तुम लूसी से और उस कैफे से दूर ही रहो। इन दोनों की बात सुनकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन हेनरी कैफे में न जाकर रोड पर खड़ा हो जाता है और यहाँ जब लूसी अपनी गाड़ी से गुजर रही होती है तभी हेनरी लूसी को रोकता है और उसे बहाना बनाकर बोलता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। लूसी हेनरी की हेल्प करती है और इस बार फिर से लूसी और हेनरी की दोस्ती हो जाती है और इसी तरह से कई दिन तक चलता है। हेनरी लूसी से रोज़ किसी न किसी बहाने दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसके साथ समय बिताता है। अब एक बार ऐसे ही हेनरी जब रोड पर अपने आप को बांध कर लूसी का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ लूसी से पहले उसके पिता और उसका भाई गाड़ी से निकल रहे होते हैं। वो हेनरी को देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हारा किडनैप का खेल हो गया हो तो शाम को घर आ जाना, कुछ बात करनी है। इस दिन भी हेनरी लूसी से मिलता है और उसे दोस्ती कर लेता है। फिर हेनरी लूसी के साथ उसके घर जाता है। यहाँ लूसी के पिता हेनरी को अपनी वर्कशॉप के पास ले जाते हैं और कमरे के अंदर देखने को कहते हैं। जब हेनरी कमरे के अंदर देखता है तो उसे लूसी कुछ गुनगुनाते हुए वॉल पर पेंटिंग करती हुई दिखाई देती है। लूसी के पिता हेनरी से कहते हैं, जब भी लूसी से तुम मिलते हो उस दिन वो इसी तरह गुनगुनाती है। आखिर तुम रोज लूसी से क्यों मिलते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? हेनरी कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद अगले दिन फिर से हेनरी कैफे में लूसी से मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। तभी लूसी की नज़र कैफे के बाहर अपनी गाड़ी पर पड़ती है जहाँ एक पुलिस वाला लूसी की गाड़ी का चालान काट रहा होता है। लूसी दौड़कर अपनी गाड़ी के पास जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। वो पुलिस वाला लूसी से कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लूसी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी लाइसेंस 7 महीने में कैसे एक्सपायर हो सकता है? तो वो पुलिस वाला बोलता है, नहीं, आपके लाइसेंस को काफी समय हो गया है। इतने में लूसी पास खड़े आदमी के हाथ से अखबार लेकर देखती है और अखबार देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है। यहाँ लूसी के डैड उसे सब कुछ बता देते हैं। अब लूसी के डैड, लूसी, हेनरी और उसका भाई सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब ये लोग डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर लूसी को बताता है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, नहीं तो ये इससे भी बुरा हो सकता था। लूसी कहती है, इससे बुरा क्या हो सकता था? तभी वो डॉक्टर एक पेशेंट से इन लोगों को मिलाता है जो कि हर 10 सेकेंड में पिछला बीता हुआ सब कुछ भूल जाता है। अब ये सब लोग घर आ जाते। तभी लूसी हेनरी से कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए रोज़ बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे लिली के फूल बहुत पसंद है, जब तुम मुझसे मिलने आओ तो मुझे वो फूल दे देना। अब अगले दिन लूसी को लिली के फूल और एक कैसेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे किसी चाहने वाले ने दिए। अब लूसी जब उस कैसेट को प्ले करती है तो उसको पिछले एक साल के कई सारे इवेंट वीडियो में दिखाई देते हैं। अब इसी वीडियो में लूसी को अपने एक्सीडेंट के बारे में भी पता चलता है और वो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन अब लूसी को सब कुछ पता चल चुका है इसलिए वो हर सुबह उठती है और इस कैसेट को देखती है।
अब हेनरी हर दिन लूसी से किसी ना किसी बहाने से मिलता था। अब एक बार जब ये समंदर के किनारे होते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लूसी कहती है कि पहली किस का मजा ही कुछ और होता है। हर रोज ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हर बार लूसी यही बात कहती है कि पहली किस का मजा ही कुछ और है। एक बार जब ये दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं और जब अगली सुबह लूसी की आँख खुलती है तो वो अपने बगल में हेनरी को देख कर चिल्लाती है और उसे डंडा मार देती है। इतने में लूसी के डैड आकर हेनरी को ले जाते। अब जब डॉक्टर हेनरी के चेकअप के लिए आते हैं तो वो हेनरी से पूछते हैं कि तुम तो अलास्का जाने वाले थे अपनी स्टडी के लिए। यह हेनरी कहता है कि हाँ मैं जाने वाला था लेकिन अब नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ लूसी को मेरी ज़रूरत है। और ये बात अब लूसी भी सुन लेती है, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि वो हेनरी से ब्रेकअप कर लेगी ताकि हेनरी का सपना अधूरा ना रह जाए। इसलिए वो उस कैसेट से और अपनी डायरी से हेनरी की सारी मेमोरी हटा देती है और वो हेनरी को भी कन्विंस कर लेती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब हेनरी भी इस बात को मान जाता है और वो अपने सफर पर निकल पड़ता है, यानी कि अब वो अलास्का जाने के लिए निकल रहा है। तभी लूसी के डैड वहाँ आते हैं और हेनरी को बताते हैं कि लूसी ने अब हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया और वहाँ वो हॉस्पिटल में सभी को पेंटिंग सिखाता। अब हेनरी कहता है ये सब कब हुआ, तो लूसी के डैड कहते हैं ये 3 हफ्ते पहले की बात है और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। इसके साथ ही लूसी के डैड ये भी बताएं कि जब भी वो हॉस्पिटल में भी पेंटिंग कर रही होती है तो वो उसी तरह से गुनगुना रही होती है जैसे वो तुमसे मिलकर गुनगुनाया करती थी। अब हेनरी जिस सफर पे जाने वाला था वो नहीं जाता क्योंकि वो समझ चुका है कि लूसी पहले तभी ऐसे गुनगुनाती थी जब वो मुझसे मिलती थी, यानी कि अभी भी मैं उसे याद हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसकी यादों में हूँ। इसलिए हेनरी दोबारा से लूसी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब हेनरी लूसी के पास उस हॉस्पिटल में जाता है। हेनरी को देखकर लूसी हैरान हो जाती है और उसे वो एक कमरे में ले जाती है। जैसे ही हेनरी उस कमरे में जाता है वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस कमरे में हेनरी के कई सारे स्केच बने होते हैं। अब यहाँ लूसी हेनरी को कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन तुम रोज मेरे सपने में आते हो। हेनरी कहता है कि जिस डायरी को तुम रोज पढ़ती हो उसमें मेरे बारे में भी कई सारी बातें लिखी थी लेकिन तुमने उन सारी बातों को अपनी यादों से हटा दिया क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब कहानी में आगे ये दिखाया जाता है कि लूसी दोबारा से नींद से उठती है और वो दोबारा से एक वीडियो टेप देख रही होती है और उस वीडियो में अब दिखाया जाता है कि हेनरी और लूसी की शादी हो चुकी है और वीडियो के एंड में एक मैसेज भी होता है कि बाहर बहुत ठंड है और जब तुम्हारी नींद खुल जाए तो तुम बाहर कुछ जैकेट पहन कर आना। और जब वो बाहर आती है वो देखती है कि वो हेनरी की बोट पर होती है क्योंकि ये जगह जो है ये अलास्का और हेनरी यहाँ अपनी स्टडी पूरी करने आया है। अब लूसी यहाँ देखती है कि उस बोट पर उसके डैड, उसका भाई और हेनरी होता है और साथ में इनकी एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि हेनरी और लूसी की बेटी है। और यहाँ लूसी अपनी बेटी को हर दिन की तरह दोबारा मिलती है और अब ये सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुशी है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद आई है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है आप मुझे वीडियो में कॉमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।